नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। उज्जैन, श्रावण के दूसरे सोमवार भी भस्म आरती में नहीं मिला श्रद्धालुओं को प्रवेश। शाम 4 बजे निकलेगी बाबा महाकाल की सवारी, श्रद्धालु नहीं हो सकेंगे शामिल। श्रावण मास का दूसरा सोमवार होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के कारण बाबा महाकाल की भस्मारती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। यहाँ दर्शन के लिए मंदिर समिति ने नियम कायदे तय किए हैं, उन्हीं के तहत श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। यहाँ श्रद्धालुओं को सुबह 5 बजे से प्रवेश दिया गया, जबकि तड़के 3:30 बजे बाबा महाकाल की भस्मारती शुरू हुई। आज शाम 4 बजे बाबा महाकाल की सवारी भी निकाली जाएगी। कोरोना के कारण सवारी मार्ग बदलकर छोटा कर दिया गया है। सवारी में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल है। श्रावण का पूरा महत्व है और सोमवार का तो महत्व है, क्योंकि शिव जी के इस दिन आराधना पूजन अधिक होती है और सोमवार होने से भगवान शिव के भक्तों में भी दर्शन की होड़ लगी हुई होती है। दूसरा सोमवार आज संपन्न हो रहा है, दर्शनार्थी कतारबंद दर्शन कर रहे हैं और भस्म आरती जो परंपरागत है वो परंपरागत संपन्न हुई। विशेष तौर पर चारों सोमवार पर विशेष पंचामृत पूजन, अभिषेक और श्रृंगार विशेष होता है, क्योंकि श्रावण महीना है, इसमें सभी चीज़ें विशेषता लेकर होती है। पंचामृत भी अधिक मात्रा में भगवान को चढ़ाया जाता है, भक्तों के द्वारा प्राप्त होता है तो, और इसमें बिलपत्र का बड़ा महत्व है, इसलिए बिलपत्र की माला विशेष तौर पर भस्म आरती में चढ़ाई गई और भस्म आरती सम्पन्न की गई। खबर समय जगत के लिए उज्जैन से रूपेश तिवारी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.